बिहार दैनिक समाचार सुपर फास्ट में आपका स्वागत है। समाचार सुपर फास्ट में देखेंगे बिहार व देश विदेश की 20 बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले कोरोना अपडेट। पूरी दुनिया में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 7,61,00,000 को पार कर गया है, जबकि 16,83,000 लोगों की मौत हो गई है। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 25,152 नए मामले मिले हैं, जबकि 347 लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,994 नए मामले मिले हैं, जबकि 4,467 लोग ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 274 नए मामले मिले हैं, जबकि एक की मौत हो गई है। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के बाद उनकी पत्नी और बेटी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अब देश विदेश की बड़ी खबरें। अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनकी पत्नी को सोमवार को कोरोना वैक्सीन लगाया जाएगा। बांग्लादेश में ट्रेन और बस की टक्कर में 12 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 6 घायल हो गए। कोरोना महामारी को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन की टीम चीन जाकर वुहान में कोरोना क्षेत्र का जायजा लेगी। जम्मू कश्मीर पुंछ जिले के किरनी और माल्टी सेक्टर में पाक की ओर से सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। चेन्नई पुलिस ने दुबई से लौटे 5 लोगों के पास से 87,00,000 रुपये का सोना जब्त किया है। नागपुर में RSS के वरिष्ठ स्वयंसेवक MG वैद्य का निधन हो गया है, कल उनका अंतिम संस्कार होगा। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में राजस्थान कांग्रेस की बैठक संपन्न हुई। बैठक में दो खेमों के बीच तालमेल पर चर्चा की गई। राजस्थान बूंदी के धर्मराज मीना नामक एक शिक्षक ने 9वीं की छात्रा के साथ दुष्कर्म कर उसका वीडियो बनाया। पीड़िता ने कहा है कि उसके साथ कई बार दुष्कर्म हुआ है। कोलकाता में विधायक बनासरी नैती ने TMC का प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। दिल्ली के विष्णु गार्डन एरिया में फैक्ट्री की छत गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई है। मिदनापुर की रैली में अमित शाह ने कहा है कि बंगाल का चुनाव आते आते TMC में ममता बनर्जी अकेली रह जाएंगी। शुभेंदु अधिकारी TMC छोड़ BJP में शामिल हो गए। उन्होंने कहा कि TMC में अब लोकतंत्र नहीं रह गया है। कंगना रनौत के खिलाफ जावेद अख्तर ने मानहानि का केस दायर किया था। इस मामले में कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी। अखिलेश यादव ने कहा है कि बंगाल में BJP की रैली के लिए कोरोना नहीं है, तो संसद सत्र के लिए दिल्ली में कोरोना क्यों है। एसोचैम के सम्मेलन में PM नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में विदेशी निवेश के लिए बेहतर माहौल उपलब्ध है। छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल ने कहा है कि केंद्र ने राज्यों के प्रशासनिक क्षेत्र का अतिक्रमण कर लिया है। नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर UP रोडवेज की बस में ट्रक ने टक्कर मार दी है। इस हादसे में 14 लोग घायल हो गए हैं। जम्मू कश्मीर में DDC चुनाव के अंतिम चरण का वोटिंग संपन्न हो गया। अब 22 दिसंबर को मतगणना होना है। अब बिहार की कुछ बड़ी खबरें। बिहार में बीते 24 घंटे में कोरोना के 641 नए मामले मिले हैं, जबकि 4 लोगों की मौत हो गई है। बिहार पंचायत चुनाव EVM से कराए जाएंगे। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार पंचायत चुनाव के लिए EVM की खरीद के लिए उच्च स्तरीय स्वीकृति मिल गई है। सूबे में 4 जनवरी से 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूल खुलेंगे, फिर राज्य सरकार की समीक्षा के बाद 18 जनवरी से कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल भी खोलने की अनुमति दी जा सकती है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव रिम्स पहुंचकर अपने बीमार पिता लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य का जायजा लिया। बिहार में मायावती की पार्टी BSP को बड़ा झटका लगा है। BSP के एकमात्र विधायक ने CM नीतीश को समर्थन दे दिया है। नालंदा के हिलसा में जज पर हुए हमले पर पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने करारुख अपनाते हुए राज्य सरकार को
23 दिसंबर तक जवाब देने को कहा है। पटना बाईपास थाना क्षेत्र के करमली चक स्थित महुली नाले में 5 दिनों से लापता बॉबी नामक युवक की सिरकटी लाश बोरे में मिली है। पटना राजेंद्र नगर के कैलाश अपार्टमेंट में रहने वाली छात्रा निभा शाह की पंखे से लटका शव बरामद हुआ है। 24 साल की निभा ने खुदकुशी की या उसकी हत्या हुई, इसका खुलासा नहीं हो सका है। सासाराम के करगहर थाना क्षेत्र के कुशडीहरा गांव में शनिवार की दोपहर भूमि विवाद को लेकर विपिन बिहारी सिंह को आधा दर्जन लोगों ने घेर कर गोली मारकर हत्या कर दी है। नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, नए साल में सूबे में 40 से अधिक नए शहरी निकाय बनाए जाएंगे। पटना के एक होटल में पुलिस ने छापेमारी कर हथियार के साथ कोलकाता और झारखंड के 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। सासाराम में इंद्रपुरी थाना क्षेत्र के घटौली के पास बालू लदा ट्रैक्टर ने मां बेटे को कुचल दिया। इस हादसे में मां दौलत खातून और बेटे की मौत मौके पर ही हो गई। राजधानी को सारण जिले से जोड़ने वाले जेपी सेतु पर एक ट्रिपल लोड स्कूटी को ब्रेजाकार ने टक्कर मार दी। इस हादसे में 19 साल की लड़की की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए। पटना के मनेर थाना क्षेत्र में 2 दिसंबर को 4 आरोपियों ने एक महिला से गैंगरेप किया था। पीड़िता ने 18 दिसंबर को मनेर थाना में केस दर्ज किया है। सरकार ने सामान्य प्रभेद के धान की कीमत 1,868 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित की है। हर पंचायत में खरीद हो, इसके लिए पैक्सों को अधिकृत किया गया है। कैमूर दुर्गावती थाना क्षेत्र के धनेच्छा में गांव के तालाब से गुड्डू राम के पत्नी का शव बरामद हुआ है। मृतका के मायके वालों ने उसके पति और ससुराल वालों पर हत्या करने का मामला थाने में दर्ज कराया है। बिहार पर्यटन विभाग टूरिस्ट को बढ़ावा देने के लिए फोरलेन सड़कों के किनारे लग्जरी ढाबा बनाने की तैयारी में है। ऐसे ढाबा में रहने के लिए कमरे भी होंगे और उसमें सारी सुख सुविधाएं भी होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि जमीन मालिक खुद ढाबे का निर्माण कर सकते हैं और सरकार इसके लिए 60% सब्सिडी देगी। औरंगाबाद जिले के 11 प्रखंडों में फर्जी प्रमाण पत्रों व नियमों को ताक पर रखकर नियोजित शिक्षकों को बहाल किए गए हैं। जिले के कुल 7,654 शिक्षकों पर निगरानी विभाग की तलवार लटकती दिख रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गया जिले के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर में नेचर सफारी में निर्मित ग्लास ब्रिज का मुआयना किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वयं इस ग्लास ब्रिज पर चढ़कर उसकी गुणवत्ता का निरीक्षण किया। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि अगर राजद चाहे तो राज्य में स्वतः ही 80% आपराधिक वारदातें कम हो जाएंगी। गोपालगंज कटैया थाना इलाके के बैरिया गांव में अपराधियों ने मुखिया के भतीजे को गोली मार दी। उनकी हालत नाजुक है। अपराधियों ने 5,00,000 रुपये की रंगदारी मांगी थी। बिहार के समस्तीपुर जिले में मासूम के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या करने के आरोपी रामलाल को पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने फांसी की सजा सुना दी है। मामला दलसिंह सराय के पौंड गांव का है, जहां साल 2018 में एक 3 साल की बच्ची के साथ रामलाल ने दुष्कर्म किया था। तो इसी के साथ बिहार दैनिक समाचार सुपरफास्ट का यह अंक यहीं पर समाप्त होता है। bihardainik.com पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। यूट्यूब के अलावे आप हमारी खबरों को ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी पढ़ सकते हैं। कल मिलेंगे बिहार दैनिक समाचार सुपरफास्ट में। तब तक के लिए प्रीतम कुमार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।